नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ भी आपने पर्सनल कोई सवाल पूछना हो तो carmirror@gmail.com पे पूछ सकते हैं। कई लोग मेरे से मेरा मोबाइल नंबर पूछते हैं तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो जाती है कई बार, तो मेरे पास आपके लिए ऑप्शन छोड़ा मैंने, carmirror@gmail.com पे पर्सनल मैसेज दे दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए, कुछ भी, कई ऑप्शन है आपके पास। और फिर एक लाइव सेशन जैसे कि कल भी अपना होना है तो उसके अंदर भी आप सीधे रूबरू होकर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करने लगे हैं MG Hector के बारे में, 10 ऐसी चीज़ें जो नई आई हैं, माइल्डली फेसलिफ्ट किया गया उसको, उसमें क्या खासियतें नई आई हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में दोस्तों आज बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी सारी समीक्षा। दोस्तों, अब जो ये गाड़ी MG Hector आई है, अब पिछले 18 महीने से चल रही है इंडिया के अंदर और इसको थोड़ा सा अब माइल्डली अपडेट किया गया है। 18 महीने के बाद क्या अपडेट किया गया है, लुक में क्या बदलाव है, वो कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में जो इसकी ग्रिल है वो इंस्पायर है ZS, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इनका आता है उसका ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट थी, वैसे ही कुछ ग्रिल इसके अंदर भी डाल दी गई है जो रेगुलर व्हीकल्स इनके Hector आती है। और उसके अंदर क्रोम की कहीं कहीं एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो कि थोड़ा डिफर करता है ZS की इसके ग्रिल से। अब बात करें नीचे के दोस्तों स्कफ प्लेट्स की, दूसरे नंबर पर वो स्कफ प्लेट्स को दोस्तों पहले फ्रंट में और रियर में दोनों साइड पे उसको बदल दिया गया है। नई तरीके की स्कफ प्लेट उसके अंदर, नई डिज़ाइन की स्कफ प्लेट उसके अंदर लगा दी गई हैं, तो ये भी देखने में थोड़ा सा आइडेंटिकल बदलाव लगता है। तीसरा बदलाव है दोस्तों, इसके इतनी बड़ी गाड़ी है ये SUV, लेकिन इसके अंदर 17 इंच के व्हील्स कुछ जचते नहीं थे, छोटे फील होते थे इसके साथ व्हील आर्चिस के, और बीच में बहुत सारा गैप रहता था तो थोड़ा सा अजीब लगता था, अटपटा लगता था। लेकिन अब 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसके अंदर डाल दिए गए हैं जो कि 5-spoke है, देखने में अच्छी लुक देते हैं, उसके साथ ही इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट भी पूरा करते हैं इसको और प्रीमियम लुक भी साथ में आ जाती है। तो ये बदलाव एक और है जो कि तीसरे नंबर पे है। चौथा पॉइंट दोस्तों है कि इसके अंदर जो रियर में इसके थोड़ा अलग लगता था, एक टेल लैम्प से दूसरे टेल लैम्प को जोड़ने के लिए बीच में एक रेड स्ट्रिप जो दी हुई थी उसके अंदर अब एक ब्लैक एलिमेंट का और डाल दिया गया है, जिससे कि थोड़ा सा और उसको एनहांस करने की कोशिश की जा रही है उससे, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट लगती है गाड़ी। कहने का मतलब यह है कि फ्रंट में अगर देखें तो दूर से अगर गाड़ी आ रही है तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा अगर जैसे ही नज़दीक गाड़ी आएगी तो ग्रिल चेंज होगी तो लगेगा कुछ अपडेट गाड़ी आ रही है। और रियर में भी कुछ ऐसा ही किया गया, जो स्कफ प्लेट और इसका टेल लैंप के बीच में जो ब्रिज है एक तरीके का बना हुआ, उस ब्रिज को बीच में से ब्लैक कलर का एलिमेंट दिया गया है, रेड जो उसके ऊपर एक्रेलिक लगाई गई है। अब अगला बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो है पाँचवा, एक नया ब्लू कलर इसके अंदर ऐड और कर दिया गया है, जो अब की बार अपडेट हुई है गाड़ी, उसके अंदर एक ब्लू कलर नया और शामिल कर लिया गया है इसकी कलर की रेंज के अंदर। तो मोर और लेस अगर देखें दूर से तो गाड़ी सेम ही लगती है, सिर्फ ये बारीक बारीक से जो चेंजेस है वो हैं। सबसे बड़ा चेंज जिसका मैं वेलकम करता हूँ वो है इसके 18 इंच के अलॉय व्हील्स। अब अगली बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर की, इंटीरियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो पहला चेंज बड़ा हमें देखने को मिलेगा, अब पहली बार ब्लैक एंड बीज कलर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। पहले ऑल ब्लैक ये गाड़ी आती थी, लेकिन ये वाला जो चेंज है इससे बहुत ही प्रीमियम लगती है गाड़ी देखने में, ये छठा बदलाव है। अब इस बदलाव के साथ ही जो एक ब्लैक कलर का जो ऑल ब्लैक थीम था उसको एज आ एक ऑप्शन भी रखा गया है, उसको भी बंद नहीं किया गया, वो भी साथ में जारी रहेगा। इसके अंदर दोस्तों सातवां बदलाव एक और किया गया, वो है इसके अंदर एक वायरलेस चार्जिंग की सुविधा और वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं फ्रंट वाली दो, यानी कि ड्राइवर और को पैसेंजर ड्राइवर के साथ में उनके लिए वेंटिलेटेड सीट की भी सुविधा दी गई है। अब यह थोड़ा सा और एनहांस करने की कोशिश की गई है, फीचर्स को एक और एड ऑन प्लस कर दिया गया है। आठवां दोस्तों जो बदलाव है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है इसके अंदर आया 31 ऐसे कमांड्स ये और ऐड कर दिए गए इसके अंदर, जो कि वॉइस कमांड्स हैं, जो कि इंग्लिश जिसको बोल सकते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश के मिक्स करके वो कमांड्स उठाती है, और काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो कि हिंदी में भी उठाती है अब, जैसे कि सनरूफ खोलना या विंडो ऊपर नीचे करना, एयर वेंट के प्रेशर को ऊपर नीचे करना, टेम्परेचर सेट करना उसका, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हमें अब मिल सकेंगी हिंदी में भी, ये या इंग्लिश बोल सकते हैं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश जैसे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे भी कंपेटिबल इसको कर दिया गया है। अब नवा बदलाव दोस्तों इसके अंदर है वो है प्राइस का, प्राइस है दोस्तों इसका अब
12.89 लाख रुपीस से लेके 18,32,000 रुपये तक ये जाती है, जो कि तकरीबन 44,000 रुपया इसकी प्राइस में हाइक हुआ है। जितने इसके अंदर बदलाव हुए उस हिसाब से 44,000 रुपया हाइक होना थोड़ा जनून सा लगता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक सा है। अब अगली दोस्तों अगर मैं बात करूँ, दसवीं बात अगर करूँ, इस गाड़ी के साथ ही हेक्टर प्लस भी लॉन्च कर दी गई है। हेक्टर प्लस कौन सी? हेक्टर प्लस के अंदर जो गाड़ी एग्जिस्टिंग चल रही है, यानी कि 6 सीटर जो गाड़ी चल रही है, उसके अंदर भी ये जो बदलाव है सारे सेम कर दिए गए हैं। उस गाड़ी का प्राइस अब दोस्तों हो गया है 15,99,000 रुपये से लेके 19,12,000 रुपये हो गया उसका प्राइस। अब इसके साथ ही एक और चीज़ साथ में जोड़ दी गई है, वो 6 सीटर के साथ 7 सीटर की सुविधा भी हमें दे दी गई है, यानी कि हेक्टर अब 5 सीटर, 6 सीटर और 7 सीटर की सुविधा के साथ हमारे पास मौजूद है, जो कि अगर मोटा मोटा हिसाब अगर लगा के चले किया सेल्टोस और क्रेटा के साथ भी मुकाबला करने वाली बन गई है, और XUV 500 जैसी गाड़ियों के साथ मुकाबला करने वाली गाड़ी भी वो बन गई है। अब अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसेस की, तो 13,34,000 से लेके 18,32,000 रुपये तक इसके प्राइसेस चले जाते हैं, जो कि 7 सीटर के अंदर। अब दोस्तों अगर इंजन की बात करूँ तो इंजन में कोई बदलाव नहीं है, वही फिएट सोस इंजन है 2.0 लीटर का डीजल के अंदर, जो कि 170 bhp की पावर जनरेट करता है। पेट्रोल के अंदर 1.5 लीटर का इंजन जो कि 140 bhp की पावर जनरेट करता है। अब ट्रांसमिशंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड यानी कि इंजन स्टार्ट स्टॉप की सुविधा इसके अंदर दे दी गई है, और उसके साथ ही जो पेट्रोल का ऑप्शन आता है उसके अंदर हमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि DCT की सुविधा भी मिलती है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस एक SUV के अंदर ही 3 ऑप्शंस हो गई हैं, और थोड़े से ही फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं, बदलाव कर दिए गए हैं। बताइएगा दोस्तों ये अपडेट्स आपको कैसे लगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएँ, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।